हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कि आप जिस मकान में रहते हैं तो जो सबसे ऊपर का छत है वो इस तरह से फट जाता है, ये देखिए। और इससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो इससे पानी नीचे जाने लगता है और छत टपकने लगता है। तो दोस्तों, इस छत पे मैं आया हूँ रिपेयर करने के लिए। वैसे कई मिस्त्री ने रिपेयर करके चला गया था, लेकिन बार बार पानी आ रहा था। लेकिन मैं कोई नई तकनीक से मैं आपको रिपेयर करके बताऊंगा, जिससे कि आपको पानी कभी नहीं टपकेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये दरार है, ये यहाँ से लेकर के इस तरह से, ये देखिए, इस कोने से लेकर के यहाँ से, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से लेकर के इसे ऐसे इस तरह से यहाँ तक, ये सारे जो है ये इसी तरह से दरार फटा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। लेकिन मैं ये पहले खोद इसलिए लिया हूँ कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा खराब ना हो। ये देखिए, यहाँ तक दरार थी, ये सारा मैंने तोड़ लिया है। और कैसे तोड़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल के तौर पे रोक रखा हूँ, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस लाइन को तोड़ना है, जिससे कि फिर आप रिपेयर कर पाएंगे। ये देखिए, इतना जो जगह है मैंने छोड़ दिया है, इसलिए आपको दिखाने के लिए कि जो ये इधर का हिस्सा, इधर का जो तोड़ा हुआ है, मतलब गड्ढा करा हुआ है, वो आपको कैसे करना है। ये देखिए, ये इतना करके मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये देखिए। ये जो लाइन है, इससे दोनों हिस्सा थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा इधर भी और थोड़ा इधर भी, ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको मैं इतना छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए कि आगे जो तोड़ा हुआ है, मतलब रिपेयर करने के लिए गड्ढा करा हुआ है, वो आपको इस तरह से करना है। इतना मैं आपको छोड़ दिया था, आगे मैं सारा इसलिए तोड़ दिया था कि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। आप भी अपना वीडियो देखें तो ये नहीं कि घंटा दो घंटा लग जाए, ऐसा नहीं है। मुझे तो सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना था कि आपका छत अगर टपकता है तो आप कैसे खुद ही सही कर ले सकते हैं बगैर मिस्त्री को बुलाए। यह देखिए, ये हो गया, जैसा कि मैं आपको दिखाया था वो भी ऐसे, ये भी लाइन मिल गया, ये देखिए मिल गया आपको लाइन। अब इसको हम हटा देंगे। अब सबसे पहला प्रोसेसर क्या है कि इसमें हम जो है पानी डालेंगे, क्योंकि सीमेंट का जो है ताकत पानी पे ही निर्भर करता है। जितना आप तराई करेंगे, जितना पानी डालेंगे, उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। यह देखिए, इस तरह से हम सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, पूरी लाइन में जहाँ तक मुझे रिपेयर करना है, इसमें सब में पानी डालेंगे। ये देखिए, जितना ये नमी रहेगा उतना ही ये ज़्यादा पकड़ बनाएगा। ये देखिए, इस तरह से पानी डालना है। ये दोस्तों, ये तो हुआ पहला प्रोसेस है। अब मैं आपको इसके, इसमें जो मसाला भरा जाएगा वो वाटर प्रूफ मसाला कैसे बनेगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। पहले सबसे पहले बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अब मैं आपको इसका जो भरने के लिए मसाला है वो वाटर प्रूफ मसाला कैसे बनेगा वो मैं आपको बतला के बना के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहला ये है, ये देखिए, ये जो है ये हम बालू लेंगे 4 कटोरी। दोस्तों, आगे कई बार हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि ये बदरपुर जो है, इससे हमें समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये जो है बदरपुर, ये जो बालू है, इसको मतलब दिल्ली में तो बदरपुर कहते हैं और बिहार में बालू कहते हैं, हरियाणा में भी बालू कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बालू कहते हैं, महाराष्ट्र में मोरना बालू कहते हैं। मतलब खास तौर पर यह है कि इसका नाम ज़्यादा करके बालू ही कहा जाता, और ये खास करके नदियों में पाया जाता है। आपको दोस्तों समझ में अगर नहीं आ रहा तो ये नदियों में पाया जाता है, जैसे गंगा नदी में भी, गंगा नदी में इस कलर के बालू मिलेंगे, और जमुना नदी में थोड़ा काला कलर के बालू मिलेंगे,
तो ये नदियों में पाया जाता है और आजकल नदियों से भी बालू नहीं अगर पूरा हो रहा है तो क्या सरकार ने किया है कि पत्थर को पीस कर उसका डस्ट बनाकर इस तरह से बनाकर और उसको भी जो मकान बनाने के काम में लाया जाता है। और ये अगर आपको ऐसा नहीं तो कहीं आपके पास नदी नहीं हो तो ये जहां ईंट बदरपुर रोड़ी सीमेंट मतलब मकान बनाने का मटेरियल जहां मिलता है वहां आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस बालू के बारे में बता दिया कि भाई आप किस स्टेट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए। ये देखिए अब वैसे हम इसको बालू कह रहे हैं तो ये बालू जो हमें लेना है कितना लेना है 4 कटोरी लेना है। तो एक मैंने डाल दिया है ये देखिए ये 2 और ये देखिए 3 और ये देखिए 4। तो दोस्तों 4 कटोरी हमने ये ले लिया है बालू। अब इसमें हम क्या करेंगे 2 कटोरी सीमेंट डालेंगे। सीमेंट तो आप जानते होंगे जो कि मकान बनाने के काम में आता है। ये देखिए ये सीमेंट है ये देखिए सीमेंट है। ये आपको वैसे पैकेट में तो 400 रुपये का एक पैकेट है लेकिन वैसे खुल्ला भी मिल जाएगा आपको 10 रुपये किलो में। ये भी मटेरियल की दुकान में ही मिलेगा जहाँ ईंट बदरपुर रोड़ी सीमेंट मिलता है वहीं ये भी मिलेगा। ये देखिए तो इसको हम कितना डालेंगे 2 कटोरी। ये देखिए 1 कटोरी हमने डाल लिया और 1 कटोरी और डालेंगे 2। तो दोस्तों मात्रा भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे 4 कटोरी हमने बालू लिया है तो 2 कटोरी हमें सीमेंट लेना है। देखिए दोस्तों और इसमें अब तीसरा चीज क्या देंगे जो कि हमारे पूर्वजों में जैसे कि पुराने जमाने में अंग्रेजों के जमाने में जैसे कोई भी चीज काम होता था तो उसमें चीनी या भोरा या गुड़ डाला जाता था। वो भी एक जो है इस टाइम जैसे डॉक्टर फिक्सिट को माना जाता है कि वाटर प्रूफ करता है उसी तरह ये चीनी भी पुराने जमाने में जब डॉक्टर फिक्सिट नहीं था तो उस टाइम चीनी या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों इसीलिए हम आपको इस वाटर प्रूफ का एक पुराना तकनीक भी इसमें डाल रहे हैं जिसका नाम की चीनी है। जैसे चीनी है देखिए चीनी सुगर चीनी मतलब अंग्रेजी में इसको सुगर कहते हैं और हिंदी में चीनी। तो ये भी हम इसमें क्या करेंगे 1 कटोरी चीनी भी डालेंगे। ये देखिए अब दोस्तों ये तीनों इसमें 3 आइटम है तीनों को हम क्या करेंगे मिक्स कर लेंगे सही तरीके से। ये देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से आपको मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग भी बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। ये नहीं कि कहीं सीमेंट रह गया कहीं बालू रह गया कहीं चीनी रह गया ऐसी बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपको मिक्सिंग करना है। इस तरह से मिक्सिंग करना है ताकि तीनों जो चीज है वो एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाए और वो अलग अलग कहीं ना हो। ये देखिए अब ये मिक्सिंग हो चुका है। अब इसमें देखिए थोड़ा डालेंगे हम पानी। अब इसमें देखिए ये तो हमने आपको वाटर प्रूफ करने के लिए एक पुराना जो जमाने का जो था वो चीनी हमने डाला है और नए जमाने का क्या है ये डॉक्टर फिक्सिड है। ये देखिए डॉक्टर फिक्सिड ये भी आपको हार्डवेयर की दुकान में मिलेगा। ये भी वाटर प्रूफ केमिकल है जो कि किसी कोई कंपनी बनाती है ये डॉक्टर फिक्सिड के नाम से है। तो ये आपको ऐसा बोतल या पाउडर के रूप में भी मिलता है हार्डवेयर के आपकी दुकान में मिलेगा। तो दोस्तों ये भी हम आपको इसमें मात्रा के हिसाब से डालता है जैसे कि एक बोतल ये है तो एक बोतल नहीं डालना है इसमें। जैसे हमारा मसाला 4 कटोरी है तो उसी हिसाब से इसमें हम क्या करेंगे 4 ढक्कन डालेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4। दोस्तों ये तो है हो गया आपका डॉक्टर फिक्सिट। ये आपको हार्डवेयर की दुकान में मिलेगा आसानी से मिल जाता है। ये हिंदुस्तान के हर कोने कोने में ये मिलता है और ये डॉक्टर फिक्सिट के नाम से है। ये देखिए आप इसको देख लीजिए डॉक्टर फिक्सिट इसी नाम से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको मिश्रण करेंगे। अब हम इस मसाले को तैयार करेंगे। ये देखिए
इस तरह से, जिस तरह से हम मिला रहे हैं इसको, ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस आपको बतलाएंगे। ये देखिए, पानी इधर निकाल देंगे, बहने को तैयार है, निकाल देंगे इसको, पानी को फिर ऊपर से हम डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो दोस्तों ये हो गया आपका जो है हमारा केमिकल, ये तैयार हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए जब ये केमिकल तैयार हो जाएगा तो देखिए ये जो कन्नी है इसको इतना कस के पकड़ेगा तगड़ा, ये छोड़ने को नाम नहीं लेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल पकड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पकड़ने का मतलब है ये कि आपका ये जो केमिकल है बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गया है। ये देखिए, दोस्तों अब ये हमारा जो मसाला है ये तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अगला प्रोसेस जो है, ये देखिए, इस डब्बे में हम पानी लेंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, इस सीमेंट का देखिए, ये जो काला वाला सीमेंट था इसको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, मतलब इसको डाल करके, मतलब क्या है कि इसका सीमेंट का लिक्विड बनाएंगे हम। ये देखिए, ये लिक्विड हम इसलिए बना रहे हैं, ये जो हमने खुदाई करा है तो ये जो नीचे से है इसका सीमेंट का अंश तो नहीं है, तो इसलिए नीचे से ऊपर तक का दोनों को पकड़ बनाने के लिए ये जो सीमेंट का जो लिक्विड बनेगा ये क्या करेगा, आपका नीचे से जो मसाला कच्चा हो गया, जिसे हम खोद दिए तो नीचे से कच्चा हो गया, तो कच्चे पे जा करके ये पकड़ नहीं सही बनाएगा। इस वजह से आपको मैं ये लिक्विड बना करके आपको क्या करना है, इसमें इसके अंदर डालना है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इस लिक्विड को इस जो हमारा खोदा हुआ दरार है इसमें हमें इस तरह से डालना है। ये देखिए, अगर यहाँ तक डालेंगे सारे, जहाँ तक हमारा जो दरार फटा हुआ था जो हमने खोदा है वो हम इससे, ये देखिए, इससे क्या होगा कि जो हमारा नीचे का कच्चा मसाला है वो सीमेंट में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए, और ये दोनों एक दूसरे से इतना अच्छा चिपक जाएगा कि ये कभी छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें ये पूरे लाइन में जो सीमेंट का लिक्विड बनाया है हमने इसको डाल देना है। ये देखिए, ये देखिए, डाल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा वाटरप्रूफ ये मसाला तैयार हो चुका था ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया पकड़ बनेगा। ये देखिए, क्योंकि पतला जो चीज है वो अंदर तक, जहां जहां तक ये थोड़ा बहुत भी खाली सी जगह रहेगी उसमें के अंदर ये चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है ना ज्यादा पतला, जैसा कि मैं आपको दिखाया हूं ऐसा ही आपको लिक्विड बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो, ये देखिए, जो अंदर फटा फटा सा है ये जब पतला माल डालेंगे तो क्या होगा, ये अंदर तक बिल्कुल भर जाएगा। ये देखिए, और जब अंदर तक भर जाएगा तो ये पानी बिल्कुल नहीं, कितने भी बारिश होगा, चाहे 10 दिन 20 दिन लगातार एक महीना बारिश होते रहे, लेकिन फिर भी इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से आपको भरना है, इस तरह भरते चलना है। ये देखिए, इस तरह से भर जाएगा।
ये सीमेंट का पानी दोस्तों हमने निकाला था, तो इसे वेस्ट नहीं करना है, इसको इसी में डाल देंगे हम। ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह से डालना है, ये पूरी लाइन जो है ये ऐसे पतला माल से भरा जाएगा, तो ये क्या होगा अंदर तक बिल्कुल ऐसा पकड़ बना लेगा कि कभी छोड़ेगा ही नहीं। ये देखिए इस तरह से, दोस्तों ये देखिए इतना ये जो है ये आगे लाइन जो है ये मसाला कम पड़ गया है, तो इसके लिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि दोबारा मसाला अगर मैं बनाता हूं तो आपका टाइम ज्यादा खराब होगा, इसलिए मैं आगे इधर का जो है मैं बाद में इसका वो कर दूंगा, आगे मैं इससे अगला प्रोसेस बताता हूँ। ये देखिए अगला प्रोसेस क्या है, ये देखिए इस तरह से आपको बराबर करना है। ये देखिए आपको करते रहना है। ये देखिए ये जो क्या है ये जितना आप इस तरह से क्राइंग करेंगे तो ये अंदर जाता रहेगा और अंदर तक ये बंद हो जाएगा बिल्कुल। अब दोस्तों इसके ऊपर जो आपको क्या करना है, जैसे कि जितना ये पॉलिश किया हुआ है ये भी पॉलिश किया हुआ है, तो ये आपको इतना पॉलिश नहीं दिख रहा, मैं सारे में आपको करके नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम आपका बहुत वेस्ट हो जाएगा और इस समय टाइम की बहुत कीमत होती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा करके आपको सिंपल के तौर पर बताता हूं और आपको उसी तरह से करना है। ये देखिए तो अब हमने इतना दूर जितना दूर मैंने आपको खोदने के लिए सिखाया था प्रैक्टिकल, उतना ही मैं इसको पॉलिश करने के लिए भी आपको बतलाता हूं। ये देखिए जैसे कि ये है, तो इसमें हम देखिए ये जो काला वाला सीमेंट था इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे। ये देखिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये अपने आप गीला हो जाएगा। देखिए ये जो सूखा सूखा सा है ये अपने आप गीला हो जाएगा। ये देखिए ये गीला हो जाएगा। देखिए अब ये गीला हो चुका है। देखिए अब हम इसको इस तरह से चलाएंगे, ये फिर से गीला हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। ये जितना आप इसको पॉलिश करेंगे उतना ही ये ज्यादा मजबूत होगा। ये देखिए अब ये फिर से गीला हो जाएगा। वैसे आप अगर तुरंत नहीं इसको सुखाना चाहते हैं तो 10-15 मिनट छोड़ भी दे सकते हैं, छोड़ने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा ज्यादा टाइट हो जाएगा, तो ये जो सीमेंट है जो आपका ये कम लगेगा। वैसे मैं आपको तत्काल जल्दी के लिए मैं आपको तुरंत करके बतला रहा हूँ, लेकिन वैसे आप छोड़ भी सकते हैं। ये देखिए अब ये सूख चुका है। ये देखिए दोस्तों देखिए ये जो आपका है, वैसे कलर तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जैसे हमारा फर्श है उस कलर का होगा, क्योंकि ये जब टूट गया है और दूसरा सीमेंट लगा है तो कलर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, लेकिन पानी जो है आपका टपकना जो है वो बंद हो जाएगा, हल्का सा जो कलर है वो डिफरेंस होगा। ये देखिए तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी बात के लिए, ऐसा तो है नहीं कि जरा सी दरार हो गई है तो हम इसको मिस्त्री को बुला लें और दोबारा फर्श डलवा दें जिसमें कि 10-20 हज़ार रुपया का नुकसान हो जाए। ये छोटी मोटी बातें के लिए इतना पैसा खर्च करना बिल्कुल गलत चीज़ है। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको इतना सिंपल के तौर पे बतला दिया हूँ, वैसे आप बाद में ये ना सोचें कि इसका रंग दूसरा है, इसका रंग दूसरा है, तो ये क्या है कि जब रिपेयर हुआ है
तो ये कलर अलग हो ही जाएगा। जैसा कि एक रहीम जी ने बोले थे कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारा ये दरार हो गया था और हम रिपेयर किए हैं, तो हम 100% है कि जो रंग है इसका डिसकलर जरूर हो जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए, अब आपका ये फाइनली वाटरप्रूफ केमिकल मैंने आपको बतलाया, कैसे खोदे वो बतलाया और कैसे इसको रिपेयर करें वो बतलाया। तो दोस्तों अब आपका ये जो है, ये देखिए, अब ये जो है बिल्कुल फाइनल पे पहुंचा हुआ। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइनल है। इसी प्रकार से हम जहां तक हम ये मसाला डाले हैं सब करेंगे, लेकिन आपका टाइम खराब ना हो इस वजह से मैं आपको सिंपल के तौर पे मैं आपको बतला दिया कि भाई यहां से यहां तक कैसे करना है। और इसी तरह से आपको जहां जहां आपके मकान में या घर में छत पे जहां भी फटा हुआ है दरार, पानी टपकता है, तो आप इसी प्रोसेस से आप उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।